हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमने लिया है ये 250 ग्राम मैंने मेथी लिया है, मेथी का सब्ज़ी जिसे मैंने अच्छे से दो तीन बार वॉश करके लिया है। ये दो मीडियम साइज प्याज है जिसे मैंने रफली चॉप करके लिया है। ग्रीन पीस है, मटर 15 मैंने काजू लिए हैं, दो बड़ी हरी मिर्चें हैं, 1.5 इंच का अदरक का पीस है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, ये 1/2 कटोरी मैंने मलाई ली है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून शुगर है और 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है और पानी लगेगा हमें सब्जियों को बॉईल करने के लिए। तो आइए मेथी मटर मलाई बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है, गैस पे रखा है उसे, और अभी इसमें हम पानी डालेंगे। 2 कप हमने पानी डाला है इसमें, जिसमें मैं ये 2 प्याज डालती हूँ बॉईल करने के लिए। ये हरी मिर्चें और अदरक और ये जो 15 काजू हमने लिए हैं ये इसके साथ ही बॉईल करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये दूसरे गैस पे मैंने दूसरा बर्तन रखा है जिसमें थोड़ा सा पानी मैंने 2-3 कप पानी डाला है। पहले मैं पानी को थोड़ा गर्म होने देती हूँ, फिर उसमें मुझे मेथी की सब्ज़ी डालनी है। पानी हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, मैं ये मेथी की सब्ज़ी इसमें ऐड करती हूँ। इसे हमें 2-3 मिनट के लिए बॉईल करके लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मेथी की सब्ज़ी बॉईल हो चुकी है। मैं गैस की फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे छाननी में डाल के छान लेती हूँ। बाद में हम इसका पूरा पानी निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज, काजू, हरी मिर्च और अदरक बॉईल हो चुका है। ये गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर लेती हूँ और इसे भी मैं छान लेती हूँ। ये जो प्याज और बाकी की चीज़ें हमने बॉईल करके ली थी उसी पानी में मैं ये मटर बॉईल करने के लिए डालती हूँ। अब हम इसे प्याज और काजू वगैरह को मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारे मटर भी अभी बॉईल हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने ये कढ़ाई गैस पे रखी है, गैस ऑन करके लिया है। ये मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालती हूँ इसमें। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के लिए है वो डाल देंगे। ये अब हम इसमें ये पेस्ट डालते हैं। मसाले को हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम ये फ्रेश क्रीम मलाई इसमें डालेंगे। इसको भी 1-1.5 मिनट के लिए इसके साथ में भून लेंगे और इसमें ये हम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून शुगर लिए हमने। शुगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालिए, पर शुगर से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम ये मिल्क डालेंगे, ग्रेवी हमें जैसी चाहिए थी थिन उस हिसाब से आप मिल्क डालिए। पर ये ग्रेवी बाद में ठीक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा उसको पतला ही रखिए। ये हमारी ग्रेवी अभी बॉइल्ड हो चुकी है। अब हम इसमें ये मेथी डालेंगे। ये मेथी मैंने अच्छे से निचोड़ ली है, इसमें से सभी पानी मैंने निकाल लिया है। अब ये मेथी मैं इसमें ऐड करती हूँ और
इसे अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। अब ये मटर भी हमने बॉईल करके लिया है, ये भी इसमें डालते हैं। साथ में ये फेनेग्रिक लीव है, कसूरी मेथी, इसे मैंने थोड़ा सा गर्म करके लिए है, उसका पाउडर भी इसमें डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा गरम मसाला हमने लिया है, ये हम इसमें ऊपर से इसे स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।